सो क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं युवराज, राइट? सो राइट डाउन करें क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन में वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेट लाइन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन. मैं फटाफट पूछूंगा, आप आंसर करेंगे. लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम बात करें, बोलिए क्या होगा. लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ टैन थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंट बाय, बोलिए, स्मॉल एम. ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम. दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज दिस इज द एंगल एंड दिस इज द वैल्यू. ओके, क्लास ट्वेल्थ में जब आप जाएंगे और क्लास ट्वेल्थ में आप जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसी टेन थीटा एंड ग्रेडियंट को. बेटा आ जाओ फर्स्ट में, आ जाओ, देखो. सो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा स्लोप. बोलिए क्या लिखेंगे इसे क्लास ट्वेल्थ में? That is called slope. तो अगर बुक में mention है कि आपको find the slope, आपको slope निकालना है. That means आपको क्या करना है? Tan theta या gradient निकालना है. Then उसके बाद class 12th में हम इसको किससे represent करेंगे? Divide by dx से. Class 12th में इसको किससे represent करेंगे हम? That is called the tangent. मतलब हमारा relation किससे related है? Class 12th से. 11th में खत्म नहीं होगा, ये 12th में दोबारा से start करना है. और calculus का weightage 65% है class 12th के mathematics में, और ये calculus का ही part है. पूरी बुक के अंदर जो वेटेज है कैलकुलस का वो अराउंड 75% टू 85% इतना वेटेज है क्लास 12. सो आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट, जो हमने सीखा. अब टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट मिनिमम क्या होना चाहिए? टू पॉइंट्स. मतलब जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? tan थीटा. फटाफट बोलिए, अगर एक लाइन है विच पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट ए एंड बी, विच कोऑर्डिनेट इज एक्स वन वाई वन एंड कोऑर्डिनेट इज एक्स टू एंड वाई टू. सो कोऑर्डिनेट्स बताइए फटाफट. अगर ये हो तो आप डिवाइड बाय डी एक्स, टेंजेंट, स्लोप, एम कैसे निकाल सकते हैं? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन. यहाँ से क्या निकल के आएगा? टेन थीटा की वैल्यू या एम की वैल्यू. अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल जाती जो हमने क्लास टेंथ में सीखी है, और क्लास टेंथ में हमने रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन बाय सॉरी वन, अभी आप 11th क्लास में माइनस का 1 सीखेंगे, 135 डिग्री, 135 डिग्री. तो लाइन ऐसा 135 भी बना सकती है x एक्सिस से. तो उस समय आप क्या करेंगे? tan थीटा या उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, लाइन हमेशा एंगल बनाएगी. वो किसके रिस्पेक्ट में बनाएगी? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में. क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ये हमेशा फ्रंट नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, जिस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल. ऑलवेज लाइन सब्स्टिट्यूट द एंगल विद एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी. देन उसके बाद हमने सीखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन निकालना है लाइन का. लाइन का अगर हमको इक्वेशन निकालना है तो केस नंबर हमने फर्स्ट सीखा. हम देखा जाए तो ये केस नंबर सेकंड था, फर्स्ट ये था स्लोप निकालना. स्लोप निकालने के बाद हमने केस नंबर वन सीखा. लाइन अगर एक पॉइंट से पास होके जा रही है, एक्स वन एंड वाई वन उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और उसका ग्रेडियंट एम दे रखा है या टेन थीटा दे रखा है, तो बोलिए फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? सो वाई माइनस वाई वन एम या टेन थीटा एंड एक्स माइनस एक्स वन. बोलिए यहां से क्या फाइंड करेंगे आप? इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ जिस लाइन फाइंड करेंगे तो फाइनल ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिलेगा. इट इज क्लियर? सेकेंड केस बोलिए क्या पढ़ा था हमने, या केस नंबर थर्ड. फर्स्ट इसको बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा है. ये सेकेंड हो गया और ये केस नंबर थर्ड. केस नंबर थर्ड बताइए क्या करा था हमने. सो क्विक रिव्यू में हम अगर केस नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं तो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दैट मींस कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वन एंड वाई वन, एंड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स टू एंड वाई टू, और ये ए और बी कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर करेंगे. सो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, फॉर्मूला यही रहेगा, एम की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बस. तो बोले क्या मिला? वाई माइनस का वाई वन, जल्दी से बताइए, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इन द ब्रैकेट एक्स माइनस का एक्स वन. और आप देखेंगे तो यहाँ से आपको लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा, जो एंड में इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तीसरा फॉर्मेट हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था हमने इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन इंटरसेप्ट बोथ द एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय एंड दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ए, यूजली मैंने आपसे बोला, एंड दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल बी. तो जब हम एसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे इंटरसेप्ट का, तो क्या मिलेगा वहां से? एक्स बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन. सो आप देखेंगे ये फॉर्मेट नंबर हो गया आपका 4, राइट? सो इस प्रकार से हमने क्या देखा? इस प्रकार से हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसके बाद मैंने आपको बताया था कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब होता है अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा हो तो इंटरसेप्ट कैसे पता लगा, क्योंकि ओवरऑल इसको सॉल्व करने पर यह भी कहां में कन्वर्ट होगा? इसी फॉर्म में कन्वर्ट. So, याद करिए जब हमने बोला था, आपको सिखाया था कि जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, या सी हम बाहर कर देते हैं थोड़ी देर। सो आपको करना क्या है, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, सी से। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी आती है, ऑलवेज वन। तो जैसे ही आप इस सी को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको हमेशा ये फॉर्मेट मिल जाएगा। और आप क्या निकाल सकते हैं, आप एक इसका इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर 3x plus 4y equals to 12 में एक इक्वेशन लेता हूं, और जैसे मैंने लास्ट टाइम यही इक्वेशन ली थी, मुझे अच्छे से याद है, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 upon 12x plus 4 upon 12y equals to में कितना हो जाएगा, 1। हमारा पर्पज होता है आपको कैसे भी करके ये 1 बना, बाकी का तो सब अपने आप मिल जाएगा। ये 3 कहां जाएगा, नीचे। जैसे 3 नीचे जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 1। और आप देखेंगे ये रहा 4 इंटरसेप्ट और ये मिल जाएगा 3। बाय चांस अगर ये इक्वेशन यहां पे माइनस में होता, मान लेते हैं माइनस माइनस और माइनस, तो याद रखिए इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस का 3, और माइनस के 3 का मतलब होता है लाइन कैसे पास हो रही होगी, कुछ ऐसे जा रही है, जिसमें ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा माइनस 3, ये ऑलरेडी प्लस का। अगर यहां भी माइनस होता तो ये लाइन कैसे क्रॉस करती जाए, ऐसे क्रॉस करती जाए। इसकी लेंथ माइनस और प्लस हमें डिपेंड करती है उसके साइन से, हम साइन से पता लगाते हैं कि वो क्या करेगा, वो उसका क्या होगा। सो हमने देखा था, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्मेट डिस्कस कर सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 5। सेकेंड लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था इसको अपन थर्ड कर देते हैं, ये तीसरा लेक्चर चल रहा है। सो थर्ड लेक्चर के अंदर हम क्या, सेकेंड लेक्चर में मैंने क्या करा था, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फिर इंटरसेक्शन एंगल निकालना, और उसके बाद में पैरेलल पढ़ना, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर पढ़ना। तो जल्दी से उसका भी क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपका पुराना बेसिक कंप्लीट हो जाए, तो फिर आज हम उसके आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्लास 10th में कौन कौन सी मेथड पढ़ी है आपने, एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सो आप देखेंगे लाइन यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, और इसका भी इक्वेशन गिवन है और इसका इक्वेशन गिवन है, और ये रहा डायग्राम एक्स एक्सिस, ये डायग्राम आप कहीं भी बना सकते हैं लाइन में, यूजुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूं, कंपलसरी नहीं हो, सेकंड हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, एनीवेयर यू कैन। So, क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, मैं चाहूंगा सबसे इजी होता है एलिमिनेटिंग, सब्स्टिट्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यूजुअली अप्लाई नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है अप्लाई करने का। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर्मेट नंबर बोलिए कौन सा हो गया, 6। 5 वहां तक पढ़े थे, ये निकल के आ रहा है केस नंबर 6। केस नंबर 6 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाया था मैंने केस नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आपको क्लास 12th में काम आएगा, वहां तक आगे भी काम आएगा, मेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल पे। सो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक लाइन है, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3x plus 4y equals to में 12 इक्वेशन है, और हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है tan थीटा अगर निकाल सके तो, नहीं तो हमें पता लगाना है स्लोप, या हमें पता लगाना है एम, या हमें पता लगाना है डिवाइडेड, इतनी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते। तो बताइए मुझे, आपको अगर याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था, फॉर्मेट क्या होता है, क्या बोलते हैं उस फॉर्मेट का, शाबाश, क्या बोलते हैं युवराज, y is equal to mx plus c, मतलब होल इक्वेशन आप क्या में कन्वर्ट करेंगे, y equals to mx plus c में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1, बाकी सब भूल जाओ, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो होल इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्लस का 3 शिफ्ट होके कहां आएगा, माइनस में, तो हमें मिलेगा 4y equals to minus का 3x प्लस का 12। इस 4 को नीचे लेकर आओ, जैसे ही ये 4 नीचे आया तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे तो इसका जो स्लोप निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 3/4। और अगर माइनस 3/4 क्लास 11th के स्टूडेंट से मैं पूछूं, जिन्होंने अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती तो उससे एक आपको कॉम्पिटिशन वेवर पे एक चीज सीखने को मिलती है कि लाइन ऐसे तो नहीं जा रही होगी, क्योंकि ये एंगल 0 से 90 के बीच होता है, और क्लास 10th में आपने पढ़ा था 0 से 90 के बीच tan थीटा हमेशा प्लस में आंसर देता है, रूट 3 हो, 1/√3 हो, प्लस 1 हो, इन्फिनिटी हो, कभी माइनस आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं सीखा। लेकिन जब आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं और अगर tan थीटा नेगेटिव मिले, इसका मतलब ये लाइन ऐसे ना बनते हुए कुछ कैसे बनती होगी, ऐसे जिसका एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा, यहाँ पे जो थीटा निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, तो यहाँ जब आप देखेंगे थीटा ग्रेटर देन क्या होगा 90। जब भी एंगल आपका 90 से बड़ा होगा
90 और 180 के बीच होगा, tan थीटा ऑलवेज नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपको क्लास 12 की केस स्टडी पढ़ाऊं, अगर मैं आपको कॉम्पिटिशन लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाऊं और मैं आपसे बोलूं जनरल बताइए इसका इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसके स्लोप से पता लगा सकते हैं कि ये ऐसा झुकेगा एक्सिस की 90 से कम या 90 से ज्यादा झुकेगा। तो हम देख सकते हैं इसका जो एंगल आ रहा है वो मोर देन 90 आ रहा है, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये हमें यहां से सीखने को मिलता है। तो आपने देखा y = mx + c से हमने क्या निकाला, उसका स्लोप निकाला। फॉर्मेट नंबर क्या हो गया, फॉर्मेट नंबर हो गया सर हमारा 7, मतलब अभी तक हम 7 तरीके के फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने सीखा था सबसे इंपॉर्टेंट कि दो लाइन के बीच का क्या निकालना, इंटरसेक्शन एंगल। यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ये सीखते हैं तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस आपको मिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो चलिए मैं डायरेक्ट ड्राइव, उसको ड्राइव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं तो ये दो लाइनें हैं, आप देखेंगे ये बीच का क्या निकालना है इनका, इंटरसेक्शन एंगल। फॉर्मेट नंबर कौन सा हो जाएगा हम देखेंगे, तो फॉर्मेट नंबर हो गया 8। 8 फॉर्मेट में हमें क्या निकालना है, इस लाइन के बीच का इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था, कैसे मैंने ड्राइव भी करके बताया था कि आप देखेंगे अगर यहां से थीटा निकालना है, इसका मतलब इस लाइन को मैं मान सकता हूं y = m1x + c, मतलब यहां से आपका कोई थीटा होगा, उस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी m1। अब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे बोलने की आदत होना चाहिए, आपको हायर क्लासेस में काम आता है, राइट। अब आपको एक बड़ा बच्चों जैसा लगता है कि बोल के बताओ लाइन का इक्वेशन ax + by + c होता है, नो सर, लाइन का इक्वेशन y = mx + c भी होता है, हमें यूजली इसकी आदत होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने एक इक्वेशन कंसिडर करा, मान लेते हैं कोई दूसरा इक्वेशन है अल्फा, तो यहाँ से मिलेगा tan अल्फा, जिसमें किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों, m2 की, और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y = m2x + का c2, और यहां से निकल के आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का केस। आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन एंगल। बोलिए अगर फॉर्मूला याद है तो बोल के बताएं। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बोले, tan थीटा इक्वल्स टू शाबाश इन द मॉड m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2, और इस प्रकार से हम देखेंगे इन दोनों के बीच हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच हमें मिलेगा एंगल। फॉर्मेट नंबर हमें यहां से क्या सीखने को मिलता है, 8 सीखने को मिलता है। उसके बाद हमने सीखा था यहीं से, इसी के आगे से हमने अपनी गाड़ी को बढ़ाया था, और हमने सीखा था फॉर्मेट नंबर 9, और 9 हमें क्या सिखाता है कि मान लीजिए सपोज दो लाइनें अगर पैरेलल हो, तो ये पैरेलल लाइन मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं एनीवे। अगर टू लाइंस आर पैरेलल, मान लेते हैं L1 और L2, L1 पैरेलल टू क्या हो गया L2, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं y is equal to m1x + c1, और इसका इक्वेशन y is equal to m2x + c2, और मान लेते हैं ये m2 है और ये m1। इस फॉर्मूले से हम प्रूफ कर सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लास जब आप 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, तो आपको बताया गया था अगर दो लाइनें पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। आप सेम इस फॉर्मूले से ड्राइव करो। तो मुझे बताइए अगर दो लाइनें पैरेलल है, तो क्लास 10th में क्या सीखा था, a1 / a2 is equals to b1 / b2 not equals to c1 / c2, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन कभी नहीं टकराएगी, और लाइन अगर कभी नहीं टकराएगी इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से यहां से हमने देखा थीटा हमारा कितना निकल के आया, 0 डिग्री, और अगर यहां से थीटा हमारा 0 डिग्री निकल के आ रहा है, दैट मींस व्हाट, तो वैल्यू हमें मिलेगा 0। सो यहां से हमें क्या मिला, हमें से मिलेगा यहां से 0 डिग्री, राइट। So, बोलिए अगर 0 डिग्री में यहां पे रख दूं तो क्या डेरिवेटिव आना चाहिए इसका, तो ये हो जाएगा tan 0 का वैल्यू बोलिए कितना होता है, 0 होता है। क्या मिला यहां से, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब मुझे बताइए अगर ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू, हां वही इनटू होगा और पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन क्या बचेगा, इतना। तो अगर आपके पास रिलेशन बचता है m1 माइनस m2 इक्वल टू में कितना, 0, तो m1 की वैल्यू बताइए किसके बराबर आ गई, m2 के बराबर आ गई। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाइए, जरा लिखिए अपनी कॉपी में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 4, -6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 4, -6 एंड
और मैंने लाइन पासिंग पॉइंट क्या बोला है आपको, लाइन पासिंग पॉइंट बोला मैंने 4, -6। तो बताइए इस इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है, लाइन का स्लोप हमें नहीं पता है लेकिन लाइन का पॉइंट पता है। स्लोप कहां से निकालेंगे, इस लाइन से। क्या सिखाया है आपको कि ये वाली लाइन L1 और ये वाली लाइन L2 आपस में मैंने क्या बोली है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो एक काम करिए, इस इक्वेशन को काय में कन्वर्ट करेंगे आप, y = mx + c में, और यहां से क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। m निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको काय में पुट करेंगे फॉर्मूले में। बोलिए क्या होता है अगर हमारे पास लाइन का y - y1 mx - x1 सब डेटा मिल जाए। y1 x1 ये दिख रहे हैं सामने, स्लोप आपको ये लाइन देगी और दोनों लाइन के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इससे निकल के आएगा आंसर। फाइंड करना तो क्या आंसर आ रहा है,